उद्धव ठाकरेंच्या मुंबईतल्या सभेबाबत शिवसैनिकांमध्ये कमालीचा उत्साह आहे. श्रीराम आणि हनुमानाच्या विषातले शिवसैनिक सभेसाठी आता रवाना होत आहेत. युवासेनेच्या नेतृत्वात हे शिवसैनिक वांद्र्याहून बीकेसीमध्ये सभेसाठी जात असल्याचं देखील पाहायला मिळालं. ही दृश्य आपण बघतोय. यावेळेस हनुमान आणि रामाच्या भूमिकेत हे शिवसैनिक ही सभा ऐकण्यासाठी म्हणून बीकेसीच्या दिशेनं निघालेले आहेत. है उस तरीके से इसमें से प्रेरणा मिलेगी, क्या लगता है? एक जुटी रहेगी ऐसे लगता है? देखिए अभी जो भी है उद्धव साहब यहाँ पे पूरे मार्गदर्शन करेंगे. अब वो मार्गदर्शन करेंगे तो सबको ही पता चलेगा कि क्या बताने वाले हैं. वो नक्कीच उत्सुक झालेले आहेत. आप क्या बताएंगे, किस तरीके से आपको लगता है? देखिए जो उद्धव साहब है महाराष्ट्र के सीएम है, मैं जहाँ तक मुस्लिम समाज में भी हमारे को ऐसा सीएम पहले ऐसा सीएम नहीं मिला था. उद्धव साहब एज अ सीएम अपनी पद की गरिमा के हिसाब से वो जात पात की राजनीति नहीं कर रहे, वो सर्व सामान महाराष्ट्र के लोगों को लेके चल रहे. और भोंगे का जो मसला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये भोंगे का मसला तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही वो किया था. अभी कुछ लोग अपनी नेतागिरी कर रहे और हिंदू मुस्लिम कर रहे. महाराष्ट्र में अभी लोग बहुत समझदार हो चुके और लोगों को ये समझ में आ गया है कि इस वक्त अभी बीच में हम लोग महाराष्ट्र की जो जनता कोरोना के परेड से निकली है, हमारे सीएम साहब ने जो तो जब सीएम बने उसके बाद काम करने का जो उनका तौर तरीका था, इसलिए सब देश में शायद ऐसा सीएम नहीं हुआ है जो सीएम साहब ने काम किया है. एक तो लॉकडाउन की परिस्थिति को संभालते संभालते अभी परिस्थिति संभली नहीं थी, जो परिस्थिति से संभलने का टाइम अभी आया था, तो अभी ये नए कुछ मसले मसाइल और नए प्रोपोगंडा हिंदुत्ववाद भोंगावाद भोंगा सम्राट ये सब चल रहा है. तो मेरे हिसाब से ज्या पद्धतीने एकीकडे जरी वेगळं राजकारण असेल तरी मुख्यमंत्री आहेत उद्धव ठाकरे आणि त्याच पद्धतीने आम्ही देखील शिवसैनिक आहेत आणि यासाठीच हे सर्वजण आहे ते भाषण उत्सुकतेने ऐकण्यासाठी तयार झालेले आहेत. कारण की उद्धव ठाकरे नेमके काय आदेश देत आहेत या भाषणातून हे देखील त्यांना उत्सुकता आहे. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे